पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था बहुत अलग अलग तरीके के गोलम्स, एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेम गोलम्स थोड़े बहुत अलग होने वाले बट बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले एंड बहुत ज्यादा ही बड़े होने वाले हैं। तो ये है अपना नॉर्मल गोलम, एंड जब भी कोई एनिमी स्पॉन होता है तो ये करता है ये जाके उनको अटैक करता है एंड उनका सबका टारगेट अपने पास ले लेता है। लाइक सारे एनिमल्स उसको ही अटैक करने लगे एंड हम उनको मार सकते हैं। ये अपने साथ सारी चीजों को लेकर जाता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये अटैक नहीं करता, मुझे वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। अपना नेक्स्ट गोलम है वो है स्मिथिंग गोलम। इसके अंदर थोड़ा बहुत तीन तरीके के गोलम्स, लाइक इसके अंदर तीन तीन वेरियंट है। ये सबसे पहले आयरन वाला, अगर मैं पिकेक्स लूंगा और इस पर राइट क्लिक करूंगा तो इसमें से अपना एंड इसके अंदर से निकला आयरन ब्लॉक। अभी इसकी जगह पे मैं अपना रख सकता हूँ अपना सबसे पहले गोल्ड रखता हूँ एंड ये बन चुका अपना गोल्ड वाला स्मिथिंग गोलम। एंड अभी गोल्ड की जगह मैं रख सकता हूँ अपना डायमंड, एंड ये भी सेम दिखता है बस उसका कलर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लॉक। ये दिखने को कूल लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बॉडीगार्ड से मेरे पीछे सबको मार देंगे, कोई भी मॉब को नहीं छोड़ेंगे, कहना पड़ेगा ताकतवर तो है। अपना नेक्स्ट गोलम है वो है ब्लास्ट फर्नेस गोलम, एंड लेट्स शो यू कह सकता है ये रहा। ओह ये तो बेंटन का कोई एक है ना एलियन, उसके तरह दिख रहा है मुझे ये। इसका कोई यूज नहीं बट ये क्या करेगा जब भी अपने एनिमीज पे आग लगा देगा, सभी को आग लगा के मारेगा। ये तो वार्डन की तरह लग रहा है ना, वार्डन की तरह। अपना नेक्स्ट गोलम है नेदर गोलम। ये गोलम थोड़ा बहुत फैंसी दिखता है एंड मुझे थोड़ा बहुत पसंद भी आया ये गोलम। लाइक ऐसा लगता किंग है ना ये गोलम, ऐसा तो इविल किंग है भाई, इविल किंग। आंखें देखो इसकी, इविल किंग। ओह ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या हुआ? लगता है हाथों से कोई बॉम्ब फेंकते है। ओ भाई ये देख सकते हो, ये मुझे पसंद आया भाई, देखने का कूल भी है एंड कैनन अटैक, भाई पसंद आया मुझे ये चीज। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट गोलम की तरफ, वो है बम्बू गोलम। एंड ये गोलम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे बट छोटा है, एंड ये क्या कर सकता है कि अपने अंदर से पॉइजनस डार्ट छोड़ सकता है। ये आवाजें कर सकता है भाई। नाइस, इसका आवाज देखो, सारे पॉइजनस डार्ट छोड़ रहे हैं। क्या है ये भाई, क्या गोलम है ये। अब बारी आती है जाइंट गोलम की, एंड ये बहुत ज्यादा ताकतवर है गाइस, मतलब बहुत बड़े दिखने को भी है। अब तक हमने जो भी गोलम्स देखे वो सारे मीडियम साइज के या फिर बिग साइज के गोलम थे। अब बारी है जाइंट गोलम्स की, एंड ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक देखने को भी है। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे डार्क ओक गोलम की। ये हो गया हमारा गोलम, ये क्या कर रहा है, ये सोया हुआ है। एंड ये रहे मॉब्स, अभी ये कुछ नहीं कर रहा। अगर वैसे ही मैं इसको जगा दूंगा ना, ओहो इसका इसके हाथ इसके पैरों से बड़े भाई। नाइस यार, नाइस नाइस नाइस, कितना बड़ा है भाई ये, एक को नहीं मार पा रहा है, इतना दूर तक लेकर आया उसको। मार दे भाई, मार दे उसको, क्या ही गोलम बनेगा रे तू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गोलम की तरफ, ठीक है। वो है एमेथिस गोलम, काइंड ऑफ। वेट इसका एक हाथ ऐसा क्यों है, वेट इसका एक हाथ क्रैब की तरह है भाई। जग जा भाई, उठ जा उठ जा। वेट इसने भी कुछ फेंका, वो क्या था ये जाइंट गोलम, इसे बर्बाद क्यों लग रहा है मुझे। ये अभी भी इसको नहीं मार पाया, ये तो एक एक करके मार रहा है, इसमें क्या मजा। तो मार देना और एक बड़ा अटैक कर दे यार। ये जायंट गोलम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है मुझे। जायंट गोलम की कैटेगरी में एक और मतलब और दो गोलम्स है, ऑब्सीडियन गोलम, एंड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इसके पावर्स। ये तेरे एनिमीज है, बस डिसअपॉइंट मत कर देना। इसका एनिमेशन सही है, इसका एनिमेशन सही है, मुझे पसंद आया इसका एनिमेशन। ये जायंट गोलम सा है, नाम के जायंट गोलम यार, किसी काम के नहीं। इससे अच्छा था जो मिनी गोलम्स है। क्या फायदा ये जायंट गोलम होके, स्पाइडर्स को नहीं मार पा रहे ये मुझे ना इसके साथ दिखता है। ग्रूट उठ जा भाई, ये अपना ग्रूट गोलम, तू तो डिसअपॉइंट मत कर, मार अटैक कर, किसी भी काम के नहीं, बस दिखने को ना बड़े हो तुम लोग। ये सच में डिसअपॉइंटिंग है भाई, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इन सारे गोलम से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बड़े बड़े गोलम जो इससे भी बड़े। तो सबसे पहले हमारा आता है वो है डिस्पेंसर गोलम, लाइक इसके अंदर भी तीन वेरियंट है। ओ ये दिखने को सही है भाई, दिखने को सही होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए एक्टिविटी। क्या कर सकते हैं भाई, अटैक करते हैं कि नहीं। वो 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 वो। अच्छा अलग अलग गोलम अलग अलग काम करते हैं। ओ भाई ये फायरबॉल फेंक के मार रहा है, ये फायरबॉल फेंक के मार रहा है, एक एरो फेंक रहा है एंड एक फायरबॉल फेंक रहा है एंड अलग अलग चीजें फेंक रहा है। एंड में इनका मैं फाइट कराने वाला हूँ बिग जाइंट गोलम से। तो ये तो हो गए डिस्पेंसर गोलम, एंड चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने नेक्स्ट गोलम, वो है सैंड गोलम। जाग जा भाई, इसके सर पे कैक्टस है एंड देखने को कूल दिखता है, ये सोया हुआ है अभी। ओ ये तो सैंड छोड़ रहा है, सैंड स्टॉर्म छोड़ रहा है। तो ये क्या करते हैं कुछ सैंड ऐसा लाइक एक स्टॉर्म छोड़ रहा है, लाइक नया अटैक छोड़ रही है, मेले अटैक। भाई 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 थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ नॉर्मली है। तो चलिए मैं आपको दिखा अपना नेक्स्ट गोलम, वो है बसाल्ट गोलम। अपने बसाल्ट भाई ये उठ चुका है, अपने पैरों पे आ गया। ओहो 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 इसकी अटैक देखो भाई, इसकी अटैक देखो भाई, मार भाई मार भाई, ये आग लगा रहा है, ये आग लगा के मार रहा है। मुझे इसका एनिमेशन पसंद है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत वर्थ इट लग रहा है मुझे ये गोलम। तो ये तो हो गया अपना बसाल्ट गोलम, एंड ये भी थोड़ा बहुत कूल है, एंड इसके आगे फरने से भाई ब्लास्ट फरने से। अपना नेक्स्ट गोलम है वो है डंजन गोलम। इसके सर पे आ चुका है स्पॉनर, किस चीज का स्पॉनर है पता नहीं। तेरा स्पेशल अटैक दिखा, तेरा स्पेशल अटैक दिखा। ओ इसके छोटे बच्चे छोड़ रहा है, ये स्पॉन कर रहा है। ये कितने क्यूट दिख रहे भाई मिनियन से, ये मैं और स्पॉन कर भाई, तू और स्पॉन कर। नाइस यार कितने क्यूट दिख रहे हैं मिनियंस, मेरे को ये बंदा वर्थ इट लग रहा है। ये देखो और स्पॉन कर, और स्पॉन कर, ये मुझे सही लगा भाई, क्यूट भी है। तो ये आता है वन ऑफ काइंड में सबसे लास्ट वाला गोलम, वो है अपना विलेजर वाला गोलम। उठ जा भाई, घंटी ले अपने सर पे। ओके
जैसे उसकी घंटी बजती है इनको डैमेज पड़ रही है। ये थोड़ा कूल लगा मुझे। ये थे थोड़ा बहुत जायंट गोलम्स एंड थोड़ा बहुत वन ऑफ अ काइंड गोलम। अब बारी आती है सबसे लास्ट एंड सबसे डेडलीस्ट एंड सबसे बड़े गोलम की, वो है एंशिएंट गोलम। एंड ये बहुत बड़े भाई, बहुत खतरनाक है। ओ भाई कितना बड़ा है ये, इसको भी स्पॉन कर देता हूं मैं आपको, ये भी दिखा देता हूं कितना बड़ा है। ये उतना बड़ा नहीं है बट ये एंशिएंट दिख रहा है। ये देखो भाई ये कितना बड़ा है, वो ये बॉस है। तो अगर मैं इनको स्पॉन करूंगा तो ये इनको अटैक करेगा, बड़े गोलम्स वर्सेस छोटे गोलम्स। ओ हो, इसको तो उड़ा रहा ही है। मैं क्या कहना चाहूंगा, बड़े बड़े अपने सारे गोलम्स को यहाँ पे स्पॉन करना चाहूंगा, जायंट गोलम्स। ओके ये गुस्सा हो चुके हैं। ओह भाई ये एंशिएंट गोलम, भाई तू भी जग जा। ये बॉस नहीं है बट ये अकेला गोलम भाई कितना बड़ा है। ओहो हमारे गोलम्स मर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक करते हुए यहाँ पे अपने गोलम्स मर रहे हैं अभी, और ये गोलम्स मरने वाले हैं अभी। ये कूल है भाई, ये एंशिएंट गोलम्स कूल थे। ओके तो ये हो रहा है फाइट यहाँ पे इन दोनों के बीच में, एंड वहाँ पे तो बड़े लोगों का फाइट चल ही रहा है। मुझे देखें इन दोनों से कौन जीतेगा। ऑफकोर्स अपना जायंट एंशिएंट गोलम जीतेगा, डीप स्लेट वाला। वेट ये पानी में गिर चुका है भाई। तो ये है अपने सारे बड़े बड़े गोलम्स, एंड आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इनका फाइट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये मोड पसंद आया भाई, सच में मोड पसंद आया। अगर आपको इस मोड के साथ खेलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जाके खेल लेना आप भी, बहुत मजा आएगा आपको भी।